भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में ऐसे अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है जिन्होंने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे एक वीर गाथा सुनाने जा रहा हूं जिसके नाम के आगे ही वीर शब्द लग गया। जी हां, महान पुरुष वीर सावरकर, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जन्मे, जीवित रहे और जीवन के अंतिम क्षणों तक देश की अखंडता और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिल मिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमलाती हुई आत्मा। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, जिनका जन्म महाराष्ट्र के भागुर गांव में 28 मई 1883 में हुआ था। देशभक्ति इन्हें विरासत में मिली थी। इनके बाबा विनायक दीक्षित तथा पिता दामोदर दोनों ही महान देशभक्त थे। बाल्यावस्था से ही सावरकर अपने माता पिता से शिवाजी और महाराणा प्रताप की वीरता और देश प्रेम की कहानियां सुना करते थे। लोकमान्य तिलक से वे अत्यधिक प्रभावित थे। तिलक का ही आशीर्वाद पाकर सावरकर ने 1905 में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया तथा अपने साथियों के साथ मिलकर पूना शहर में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। समाचार पत्रों में इस घटना से संबंधित समाचार प्रकाशित हुआ। इससे अंग्रेज अत्यंत चिंतित हो उठे। फलतः कॉलेज के अधिकारियों पर सावरकर को कॉलेज से निष्कासित करने के लिए दबाव डाला गया। सावरकर की बीए की परीक्षा निकट थी, फिर भी उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और भारी जुर्माना भी किया गया। किसी प्रकार मुंबई विश्वविद्यालय ने उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दे दी। सावरकर बीए की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। कॉलेज में पढ़ते हुए सावरकर ने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत के नवयुवकों में स्वाधीनता के प्रति चेतना उत्पन्न करना तथा उनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध प्रकट करने की शक्ति उत्पन्न करना था। सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की, जिसका एकमात्र उद्देश्य विद्रोह के द्वारा अंग्रेजी शासन को समूल नष्ट कर भारत भूमि को स्वतंत्र करना था। इसी बीच लोकमान्य तिलक जी ने उन्हें सलाह दी कि वे कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले जाएं। उन्होंने वैसा ही किया। मातृभूमि से इतनी दूर पहुंचकर भी सावरकर के मन में मातृभूमि की स्वतंत्रता की चिंता कम नहीं हुई। लंदन में वह इंडिया हाउस में रहने लगे। यह स्थान भारतीय क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र था। सावरकर श्री श्याम कृष्ण वर्मा के सहयोगी बन गए। कालांतर में इंडिया हाउस के समस्त कार्यों का भार उन्हीं पर आ गया। यही वह स्थान है जहां बैठकर सावरकर ने 3 पुस्तकें मैजनी, सिखों का इतिहास और 1857 का स्वतंत्रता समर की रचना की। सरकार द्वारा इस पुस्तक के भारत प्रवेश पर यद्यपि प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी इसकी बहुत प्रतियां किसी प्रकार भारत पहुंच गई। इस पुस्तक तथा अपने कार्यों के कारण सावरकर लोकप्रिय हो गए, जिससे अंग्रेजी सरकार उनसे बहुत नाराज हो गई। परिणाम यह रहा कि बैरिस्ट्री की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद सावरकर को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। सन 1905 से 1910 के बीच मध्य भारत में सावरकर के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था, उसके लिए सावरकर को प्रमुख रूप से उत्तरदायी ठहराया गया। फलस्वरूप उन्हें इंग्लैंड से मुंबई उच्च न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार कर भारत लाया गया।
पानी के जहाज से आते समय सावरकर ने फ्रांस के मर्सलीज बंदरगाह के पास शौचालय के रोशनदान से समुद्र के अथाह जल में कूदकर भागने का साहसिक प्रयास किया। इस घटना के बाद से वे वीर सावरकर कहलाए। वे फ्रांस की धरती पर पहुंच भी गए लेकिन पुनः बंदी बना लिए गए। मुंबई के उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें 55 वर्ष के काले पानी की कठोर सजा दी गई। सावरकर ने अंडमान की यातना कारागार में 11 वर्षों तक कठोर सजा भोगी। इन्हें कारावास की अवधि में कोल्हू में बैल की जगह जोता जाता था और चक्की पीसनी पड़ती थी, परंतु बाद में छोड़ दिए गए। सन 1927 में दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान से दुखी होकर सावरकर शुद्धि आंदोलन और समाज के संगठन के कार्यों में लग गए। वे भारत भूमि पर निवास करने वाले सभी नागरिकों को एक मानते थे तथा अलगाववादी भावना के प्रबल विरोधी थे। सन 1937 में सावरकर पूर्ण रूप से मुक्त किए गए तो जनता तथा समस्त देशवासियों ने मुंबई में उनका हृदय से स्वागत किया। उन्होंने बड़ी निर्भीकता के साथ समाज में व्याप्त जातिपात, छुआछूत और ऊंच नीच की भावनाओं का विरोध किया। वे 1937 से 1947 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। सन 1944 में भारत की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ। उस समय अंग्रेज सरकार सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन करना चाहती थी। वीर सावर ने इसका कठोर शब्दों में विरोध किया तथा तत्कालीन वायसराय को पत्र लिखा। वीर सावरकर देश प्रेम, त्याग, साहस और शौर्य के साक्षात प्रतीक थे। दिनांक 26 फरवरी 1966 को इस महान देशभक्त का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया और इसी के साथ भारत माता ने अपना एक कर्तव्यनिष्ठ और सच्चा सपूत खो दिया। मगर वीर सावरकर सदैव अमर हैं, अमर रहेंगे। जय हिंद।